काटी हुआ हाय मुझे तो। हाय पॉल, हैप्पी बर्थडे। हाय हाय पॉल, गाइस, हैप्पी हाय, हैप्पी बर्थडे। सॉरी, बर्थडे। हाय, थैंक यू हैप्पी थैंक बर्थडे। हाय, यू हैप्पी थैंक बर्थडे। यू बहुत थैंक यू सारी एवरीबॉडी। है। ये सारे लोग मुझे कैसे देखेंगे? व्हाट आई एम सपोज टू डू? इफ यू स्वाइप लाइक दिस, इफ यू ओके, आर ऑन योर फोन, जस्ट स्वाइप लाइक दिस, यू आर कैचिंग हाँ, मल्टीपल विंडोज। देयर इजंट एन ऑप्शन वेयर एवरीबॉडी कैन बी सीन ऑन माय स्क्रीन। एक साथ तो फोन लैपटॉप, पे नॉट पॉसिबल, लैपटॉप पे होगा। फोन पे यू कैन सी मैक्सिमम 4 पीपल एट अ टाइम। राइट। अच्छा ठीक है, और बताइए कैसे हैं आप लोग? ऑल वेल, ऑल वेल। यू टेल मी, आप कहाँ से आ रहे हैं? मंदिर से? राधे राधे। ओ लवली, कौन से मंदिर से आ रहे हैं आप? मैं बेसिकली अक्षय पात्र, एक एनजीओ है जो इंडिया का सबसे बड़ा एनजीओ है, वहां पे गया हुआ था। एंड एवरीबॉडी आई ट्राई टू गो समवेयर वेयर आई फील दैट पॉजिटिव एनर्जी, आई फील दैट वाइब, वेयर आई फील कनेक्टेड टू गॉड, जहां से हम आए थे आज से 30 साल पहले, उनसे कनेक्टिविटी फील होती है। हाँ जी, सो हाउ वाज द बोलिए। यस्टरडे बर्थडे को हाँ कैसे, जी, लाइक हाउ डिड यू स्टार्ट, लाइक किक स्टार्ट योर बर्थडे, द बर्थडे ब्रिंग इन? मेरा बर्थडे ब्रिंग इन वाज माइंड ब्लोइंग। मैं आफ्टर 10 इयर्स आई फील अपनी फैमिली के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा हूँ, एंड इट्स अमेजिंग टू बी विद फैमिली। एंड आई यूज टू मिस दिस फैमिली थिंग ऑलवेज। मम्मा आ जाते थे बर्थडे पे मुंबई, बट आगरा आना इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। एंड हियर देयर आर लॉट ऑफ फ्रेंड्स ऑफ माइन, जो बचपन के फ्रेंड्स हैं, उनके साथ बहुत सारी बचपन की मेमोरीज जुड़ी हुई है। सो इट फील्स गुड वेयर आपको इतनी सारी चीजें, इतनी सारी बातें याद आती हैं आपके बर्थडे वाले दिन। मेरी मम्मा ने मेरे को मेरे बचपन का पहला कड़ा, बचपन का पहला पेन दिखाया जो मैंने आज तक नहीं देखा था। ऐसी बहुत सारी चीजें हुई बहुत कमाल की, जो मुझे बहुत अच्छी लगी। आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा, आगरा का ना पेठा बहुत फेमस है। ओके, तो आपको जी, इतनी वैरायटीज ऑफ आगरे का पेठा मिलता है, आपकी फेवरेट, आपका फेवरेट पेठा कौन सा है? देखिए, आगरा में बहुत सारे, आप जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा, आगरा में बहुत सारे तरीके के पेठे मिलते हैं। एंड पेठा अपने आप में बहुत ही कमाल का होता है। मैं वैसे ही स्वीट लवर हूँ, खा नहीं पाता हूँ बिकॉज आई एम एन एक्टर, बट मुझे सब तरीके के पसंद है। फिर भी अगर आप मुझसे पूछेंगे बहुत ज्यादा पसंद कौन सा है, तो एक आता है गुलकंद पेठा, आई लव दैट। देखिए अभी आप, भूख भी लग रही है मुझे। आपने कहा कि बचपन के काफी दोस्त आए थे, काफी मेमोरीज रिलिश करी, याद करी, सबसे फेवरेट मेमोरी कौन सी है आपकी? फेवरेट मेमोरी तो नहीं कह सकते, देखिए मेमोरी अपने आप में सारी मेमोरीज फेवरेट होती है, लेकिन ऐसी बहुत सारी मेमोरीज हैं जैसे जैसे आप सब बैठ के बात कर रहे होते हैं, तो जब मैं छोटा था तो अब कैसे, मुझे मुझे बाथरूम जाने में डर लगता था। तो हमारा बाथरूम हमारे घर से थोड़ा सा एक बीच का एरिया था और थोड़ा दूर होता था, तो मैं डरता था। तो मैं मम्मा को बोलता था आप बाहर खड़े रहना, और मैं दरवाजा बंद नहीं करता था। तो ये बात मम्मा ने सबके सामने बताई, सारे मेरे ऊपर हंस रहे थे। एंड देन आई गॉट टू नो वन मोर थिंग, मैं मतलब मुझे जैसे कभी भूख लगती थी तो मुझे भूख नहीं लगती थी, एक्चुअली मेरा मन होता था कुछ खाने का। जैसे मुझे काजू कतली की भूख है, मुझे दाल चावल की भूख है, मुझे तो जिस जिस चीज का मेरा खाने का मन होता था तो उसको मैं ऐसे एड्रेस करता था, मुझे इस चीज की भूख है। तो वो सारी चीजें मम्मा ने बताई बचपन में। फिर और क्या बताया था, और ऐसी काफी सारी कमाल कमाल की चीजें, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे, उन्होंने बचपन की बहुत सारी बातें बताई। कुछ लोग ऐसे भी मिले जिनसे मैं 5-6 साल बाद मिला था, जिन्होंने मुझे सरप्राइज दिया, और बहुत बहुत ही ओवरवेल्म्ड हूँ मैं इस वक्त, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। वैसे अब तक का सबसे बेस्ट गिफ्ट क्या मिला है पर्ल आपको, नॉट दिस ईयर, टिल नाउ? टिल नाउ बहुत ही आईएएस वाला क्वेश्चन पूछ लिया आपने मुझसे। ऐसे ये बड़े कमाल के सवाल होते हैं जब कोई पूछ लेता है ना, बेस्ट फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, अब बताओ एक दिन में 6 गाने आते हैं,
कैसे कोई बताएगा, लेकिन अब फेवरेट गिफ्ट फिर भी चलो मेरे को अभी इस साल का तो पहले याद करने पड़ेंगे, फिर पहले उससे पहले वाले साल के, फिर उससे पहले वाले साल के, लेकिन मैं फिर भी अब आई वुड से ये वाला जो मेरा बर्थडे है इसमें मतलब मैं हर बर्थडे पे एक कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी तरफ से कुछ करूँ लोगों के लिए, जैसे मतलब किसी भी ओल्ड एज होम जाता हूँ, जैसे आज मैं अक्षय पात्र गया था, एनजीओ जाता हूँ, लोगों से मिलने की कोशिश करता हूँ। मेरे लिए बेस्ट गिफ्ट होता है जब वो लोग मुझे एड्रेस करते हैं, मेरे नाम से मुझे जानते हैं, मेरे लिए हैप्पी बर्थडे गाते हैं। देखिए मतलब मैं इमोशनल हो रहा हूँ बोलते बोलते, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस दिस, एंड वो सब लोगों को अगर मैं थोड़ी भी खुशी दे पाता हूँ, वो उनके जो फेस की स्माइल होती है ना, वो कमाल का गिफ्ट होता है मेरे लिए हर साल, उससे अच्छा गिफ्ट नहीं हो सकता। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा कभी, अब डेफिनेटली आप लोगों ने किया भी होगा तो आप लोग समझ सकते हैं, ये बहुत ही कमाल का गिफ्ट होता है जब बहुत सारे लोग आपकी तरफ आज से देख रहे होते हैं और उन्हें पता होता है कि आप उनके लिए गिफ्ट्स लेके आए हैं या आप उनके लिए कुछ कर रहे हैं, और वो जेन्युइनली उनके फेस पे जो वो खुशी होती है वो कमाल का गिफ्ट होता है। बाकी मटीरियलिस्टिक है, पैसे, फोन, गाड़ियां, सब मटीरियलिस्टिक है। बर्थडे के दिन क्या बर्थडे से बर्थडे होस्ट गायब हो गई है। आई थिंक देयर वाज अ नेटवर्क इशू। अच्छा तो आपने खुद को कुछ गिफ्ट किया? मैंने खुद को ये ट्रिप गिफ्ट किया आगरा में। क्या ये आगरा की जो मैंने ट्रिप ली बर्थडे पे, आई ड्रोव 24 आवर्स फ्रॉम मुंबई टू आगरा, ये मैंने खुद को गिफ्ट दिया है बहुत बड़ा। एंड नाउ आई एम रियलाइजिंग हाउ बिग इज दिस, बिकॉज एवरी मोमेंट आई एम एक्सपीरियंसिंग अ डिफरेंट लाइट। मतलब वो माँ का प्यार बर्थडे पे अलग ही होता है, मतलब अलग, मतलब उनको वो सारे दिन याद आ जाते हैं जब उन्होंने पहली बार हमें गोद में लिया था, वो सारे पिक्चर्स वो हमें दिखाते हैं जब हम बहुत छोटे से थे। तो ये बहुत कमाल की चीजें होती है जो मैंने बहुत सालों से, मतलब इट्स बीन 10 इयर्स नाउ एक्सपीरियंस नहीं की है। दिस इज अ गिफ्ट to me from my side. Paul, as you said, you know, कि आपको बचपन में जो भी खाने का मन करता था आप कहते थे कि ये चीज की भूख लगी है, so this time when you had an opportunity to demand, so what all you demanded from your mother and what all she made to surprise you? She's made a lot of stuff. Trust me, इतनी सारी चीजें बनी हुई है ना घर में कि अगर मैं एक एक बाइट भी खाऊंगा तो पूरा नहीं खा सकता। But still, mama को भी पता है, मुझे भी पता है, I am very basic when it comes to these things. I like mama के हाथ के दाल चावल, वो जो मम्मी के हाथ का टेस्ट है जो हमेशा से खाया है मैंने, मेरे को वो ही चाहिए होता है, और I prefer she feeds me. तो ये एक कमाल की चीज होती है यहाँ पे आने के बाद कि मैं उनके हाथ से ही खाना खाता हूँ। और दाल चावल के साथ आप लोगों ने सबने खाया होगा वो आलू की सब्जी नहीं होती, गोल गोल काट के बनाते हैं, तो ये मेरा फेवरेट है, और ऐसे ही मतलब ये तो खाता ही खाता हूँ मैं। तो दिस आई डिमांड, रेस्ट इज ऑल ऑन देम, बाकी मैं कुछ डिमांड नहीं करता, उन्हें पता है मुझे क्या। अच्छा पर लॉकडाउन के दौरान सर्टनली लाइफ को बहुत अलग तरीके से देखने का मौका मिला होगा, आपने खुद में क्या चेंज पाया? मैंने खुद में ये चेंज पाया कि मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें नोटिस की जो मैं शायद कई बार क्या होता है, जब तक हम किसी भूखे को नहीं देखते तो हमें पता नहीं चलता कि हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो बहुत परेशान थे, मैंने बहुत सारे लोगों को के लिए फील किया कि मैं बहुत सारी चीजें करना चाहता हूँ उनके लिए, मैंने अपने आप को थोड़ा सा और रिजुविनेट किया, वेर I have experienced that I am more spiritual. All this while, बहुत सारा time मिल गया खुद के लिए। मैंने creatively अगर पूछे तो बहुत सारे गाने बना लिए, अभी recently दो और बना लिए, अभी बनते ही चले जा रहे हैं गाने के लिए, time बहुत मिल रहे हैं। And इस lockdown में I realized that you know, जिंदगी बहुत छोटी सी है, कब तक है कब तक पता नहीं। हाँ एक चीज और जो मैंने बहुत सारे friends से भी बात कल कही है, आज मतलब मैं जितने भी लोग मेरे मतलब मुझे जो पसंद करते हैं या जितने भी लोग हमारा ये वाला इंटरव्यू देखेंगे उन सब के लिए,
हमारी जिंदगी जितनी भी निकल गई है 50% 25% जितनी भी जिंदगी निकल गई हमारे मॉम डैड की हमसे ज्यादा जिंदगी निकल चुकी है 75% तो एटलीस्ट निकल चुकी है। उनकी जितनी भी जिंदगी बची हुई है उसमें उनका हर एक दिन स्पेशल बनाने की कोशिश कीजिए। जब आप ये करने लगेंगे आपको अपने आप अपनी जिंदगी और खूबसूरत लगने लगेगी, क्योंकि उनका टाइम आपके टाइम से ज्यादा कीमती है, उनके पास टाइम कम है। आप सब ये कोशिश कीजिए हर रोज जो जो आप कर सकते हैं अपने माँ बाप के लिए ना वो सब कुछ कीजिए। ये मेरी रिक्वेस्ट भी है और एक एडवाइस भी है। ये मैंने कोरोना में ये क्वारंटाइन में रियलाइज किया। आपने और फैंस हमेशा आपको बहुत ही स्पेशल बनाते हैं, इस बार ही क्वारंटाइन लॉकडाउन है, यू नो आप ज्यादा बाहर निकल नहीं सकते हैं, कुछ स्पेशल किया उन्होंने आपके लिए इस बारी? उन्होंने मेरे लिए स्पेशल यही किया कि वो मेरी आंखों के सामने से ज्यादा स्पेशल कुछ नहीं हो सकता फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली यस, बहुत सारी चीजें उन्होंने मेरे लिए स्पेशल की जो बैक टू बैक मुझे सरप्राइजेस दिए। मेरी सबसे क्लोज फ्रेंड है करिश्मा, उन्होंने भी मुझे एक बहुत कमाल का सरप्राइज दिया, एक वीडियो जो मैं पोस्ट करूंगा। उन्होंने मुझे बिना बताए मेरी फैमिली के सारे मेंबर्स को बात करके उन सबका वीडियो बनवा के जो वो मेरे बारे में सोचते हैं रिकॉर्ड करके, एक वो मुझे गिफ्ट किया जो मुझे नहीं पता था, मेरी सिस्टर के थ्रू उन्होंने सबको अप्रोच किया, ये फैमिली की तरफ से था और उन्होंने ही सारे फ्रेंड्स को भी अप्रोच किया मेरे और उन सबसे वीडियो बना के मुझे भेजा जो मैंने कल रात को देखा, सो आई वाज वेरी हैप्पी। ये तो करिश्मा की तरफ से था एंड माय फैमिली दे डिड एवरीथिंग फॉर मी, मतलब मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूं। आपने हेल्प करने की बात की तो आपने इस लॉकडाउन में भी बहुत लोगों की हेल्प की है जहां तक हमें पता है, किस तरीके से आपने ये पूरा प्लान किया, कैसे हुआ? और दूसरा सवाल मेरा ये है आपसे पल, आपको पता है माहौल बहुत ही अच्छा नहीं चल रहा है, प्रोड्यूसर्स के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा है और एक्टर्स के लिए भी बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि उनको शूट जाके करना और बहुत सिक्योर नहीं है सब चीजों को लेकर के, और थर्ड चीज ये कि उनकी फीस भी लगभग आधा हो गई है। तो ऐसे में एज ए एक्टर आपसे जानना चाहेंगे कि चूंकि आप लोग जान हथेली पे लेके काम करेंगे और फीस भी आधा हो जाएगी तो ये कितना सही है आपके लिए? देखिए सही और गलत एक बड़ा ही कंट्रोवर्शियल टर्म है, बहुत ही डिप्लोमेटिक है, बिकॉज आज जो चीज मेरे लिए सही हो सकता है वो किसी और के लिए गलत हो। प्रोड्यूसर्स अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं क्योंकि उनको भी बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ रही हैं, उनको बहुत सारे लॉसेस फेस करने पड़ रहे हैं, तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, वो गलत नहीं। और एक्टर्स अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, एक्टर सोच रहे हैं कि क्योंकि एक्टर्स ने भी इतने टाइम तक काम नहीं किया क्योंकि वो भी बेचारे नहीं कमा पाए इतने टाइम पर, तो वो भी चाहते हैं कि यार वो चीज कवर अप हो जाए। तो दोनों ही अपनी अपनी तरफ से सही है। और दिस इज अबाउट व्हेन मनी कम्स इन फ्रंट इट इज अबाउट बिजनेस। बिजनेस में क्या होता है, आप अपने नेगोशिएशंस करते हैं, वो अपने नेगोशिएशंस करते हैं, जहां पे भी बात फाइनल हो जाती है वहां पे आप हां कर देते हैं। सो अभी कोई गलत नहीं है, कोई सही नहीं है, द टाइम इज नॉट राइट। दूसरा सवाल था जब आपने हेल्प किया लोगों का, कैसे प्लान हुआ, क्या हुआ, थोड़ा जानना चाहेंगे सर? मैं बीच में एक मेरा थॉट प्रोसेस था कि यार हम जो चैरिटी करते हैं या जो भी हम डोनेशंस करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, हमें किसी को बताना नहीं चाहिए। सब लोग बोलते थे यार ये ऐसी चीजें होती हैं कि एक हाथ से हो और दूसरे हाथ को भी पता ना चले, अब बिल्कुल इतना छुपा के रखो, किसी को कुछ मत बताओ। बट लेटर ऑन आई रियलाइज, किसी ने मुझसे कहा और मैंने खुद भी रियलाइज किया कि अगर हम बताएंगे नहीं तो लोग इंस्पायर कैसे होंगे। अगर आज मैं चार काम अच्छे करता हूँ और मैं बताता हूँ लोगों को कि मैंने ये चार काम अच्छे किए हैं, तो वो सारे लोग जो मुझे सुन रहे हैं वो भी बोलेंगे ना हाँ यार ये वाली चीज कर रहा है, ये वाला आइडिया तो मुझे आया नहीं, मैं भी ये करके देख रहा हूँ। जैसे किसी ने मुझे कल बोला कि यार ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे हम जब उनको सपोज टू हम एक बच्चा अडॉप्ट करते हैं, वो एक नंबर होता है, वो बच्चे का नाम भी हमें नहीं पता होता, हम बस एक बच्चा अडॉप्ट करते हैं, उसकी पूरी पढ़ाई का खर्चा लाइफ टाइम के लिए हम देते हैं। ये बात मुझे नहीं पता थी कि ऐसा होता भी है, पर जब मुझे पता चला तो मुझे एक और आइडिया आया कि हाँ यार ये भी किया जा सकता है, हम इस तरीके से भी लोगों की हेल्प कर सकते हैं। तो व्हेनेवर यू डू समथिंग गुड you should share it with people around you and everybody you know, so that unko ye idea bhi aaye. Aur plus jab human nature is, jab sab log koi ek kaam kar rahe hote hai na to baki jo nahi bhi kar rahe hote hai wo bhi sath sath karne lagte hain, ha yaar ye kar raha hai to chalo apan bhi karte hain. So it is a good idea to share, that's why I'm sharing. ये जो भी क्वारंटाइन का जो भी टाइम निकला है मैंने पूरी कोशिश किया, मैं जितने भी लोगों की, मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, मेरे पास बहुत सारे पैसे भी नहीं है, मैं कोई इतना बड़ा एक्टर भी नहीं बनाऊ, बट मैं कोशिश करता हूँ अच्छा इंसान बनने की। बट आपने कहा कि कहीं ना कहीं इंस्पायर करते हैं, तो आप भी किसी से इंस्पायर हुए थे, मतलब आपने ये प्लान किया कि हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए किसी का देख करके?
सबसे पहले मेरे पास जब ये वाला जो पूरा थॉट प्रोसेस शुरू हुआ, सबसे पहले मेरे पास हमारे प्रोडक्शन के ही एक स्पॉट दादा का फोन आया था और उन्होंने कहा था, वो ही वाज क्राइंग, उन्होंने कहा था हमारे पास खाने के लिए नहीं है सर और बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आप ऐसा ऐसा जो भी मेरे उनसे ट्यूनिंग रही है उन्होंने बात करी और उन्होंने कहा कि अगर हो सकता है तो आप कुछ पैसे डलवा लीजिए, मुझसे जो बन पड़ा मैंने उनके लिए कर दिया। और फिर उनका फोन रखने के बाद आई वाज जस्ट थिंकिंग कि जो एक आदमी है जो मुझे फोन कर पा रहा है, कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास मेरा नंबर नहीं है, कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो नंबर होते हुए भी फोन करने में शर्मा रहे होंगे लेकिन उनको जरूर परेशान होंगे, तो मैंने कोशिश की उन लोगों को ढूंढने की जो परेशान है। अब परेशानियां उन लोगों तक मैं नहीं, और अगर पहुंच भी जाऊं तो उनकी मदद करने की मेरी हैसियत नहीं है ऑनेस्टली, फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि जितने भी लोगों तक मैं पहुंच सकता हूं और जितना भी मेरे पास है कि मेरे पास अपने लिए भी बच जाए थोड़ा बहुत और मैं उनके लिए भी थोड़ा बहुत कुछ कर पाऊं, तो वो करने के लिए मैंने अपने जितने भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे उनको फोन किया, उनको बोला कि जितने भी स्पॉट दादा है हमारे शो के, मैंने जितने से पहले शोज किए उन सबके, उन सबका मुझे ना फोन नंबर और अकाउंट डिटेल्स चाहिए। तो उन्होंने बोला कि सर मैं उनके हेड्स का दे देता हूँ, उनके हेड्स आपको दे देंगे, पांच एक एक स्पॉट दादा के नीचे पांच लोग होते हैं और एक हेड होता है उनका। मैंने पहले हेड्स का लिया, फिर सारे स्पॉट बॉयज का लिया, जिससे कि ऐसा ना हो कि मैं हेड्स को दे दूं फिर वो हेड्स डिस्ट्रीब्यूट ना करें। तो देयर वर मोर देन 100 पीपल जिनका मैंने नंबर लिया, अकाउंट डिटेल्स ली, एंड आई ट्रांसफर्ड माय सेल्फ, एटलीस्ट इतना कर दिया कि उनका एक महीने का खाना पीना उनके फैमिली के साथ, जो भी पांच छह लोग उनकी फैमिली में होंगे उन सबका हो जाए। तो जो जो भी मैं अपनी तरफ से कर सकता हूँ स्ट्रेस के लिए, मैं जो अपनी तरफ से कर सकता हूँ, मैंने अभी मेरे फैंस ने मुझसे, बहुत सारे फैंस थे वो एड्रेस मांग रहे थे कि हम गिफ्ट भेजना चाहते हैं तो आप अपना एड्रेस दीजिए, तो आई सजेस्टेड देम अगर आप मुझे कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं तो आप एक काम कीजिए, आपके सामने आसपास बिना अपने आप को हर्ट किए हार्म किए जितने भी स्ट्रेज आप देखते हैं, जितने भी एनिमल्स देखते हैं, चाहे वो काओ हो, वो कबूतर ही क्यों ना हो, आप जिसको भी फीड कर सकते हैं ना आप फीड कीजिए, और वो एक वीडियो रिकॉर्ड कीजिए हैप्पी बर्थडे पर्ल या कुछ भी एक्स वाई जेड, और उनको फीड करते हुए वीडियो भेजिए। और एक अकाउंट हमने बना दिया, मतलब मेरे फैंस ने ही मिलके एक अकाउंट बना दिया, उस अकाउंट पे वो सारे वीडियोस अपलोड हो रहे हैं जिसमें वो सब लोग जितने भी स्ट्रेस को या बर्ड्स को या एनिमल्स को फीड कर रहे हैं उन सबका वीडियो है। और मैंने उनको बोला कि जो सबसे ज्यादा एनिमल्स को फीड करेगा उन किसी भी दो लोगों के साथ आई विल गो लाइव ऑन इंस्टाग्राम, तो उनको वो एक चाम है कि वो पर्ल के साथ लाइव आना चाहते हैं। तो मुझे लगा कि मैं इस चीज को अच्छे सेंस में यूज करूं, और अच्छे सेंस में यूज करके आई ट्राइड कि मैं उन सबके थ्रू एक अच्छा काम करवाऊं। एंड ऑनेस्टली व्हाट आई फील इज जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, सपोज टू बी जब आप किसी डॉग को खाना खिलाते हैं, जब वो खा रहा होता है ना, अगर आप उसको नोटिस करेंगे ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत मन करेगा कि आप दोबारा किसी को खाना खिलाएं, क्योंकि वो इतना अच्छा फीलिंग होता है किसी को भूखे को खाना खिलाने वाला, इट गिव्स यू अ वेरी गुड फीलिंग। सो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने थ्रू जितने भी लोगों को कोई एक अच्छा काम सिखा सकूं या उनसे एक अच्छा काम करवा सकूं वो करवाता रहता हूं। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं मतलब चलती रहेंगी, तो ये मैं करता रहता हूँ। एक क्वारंटाइन में ऐसे बहुत सारे आइडियाज आते रहते हैं और वो सारी चीजें होती रहती हैं, और मुझे लगता है आप सब भी ढूंढिए अपने आसपास, बहुत लोग परेशान है, जैसे भी जिस भी तरीके से जिसकी भी हेल्प कर सकते हैं। हम सब में यहाँ भी जितने भी जर्नलिस्ट में बहुत सारे लोग हैं, हमने भी मिलके किसी की मदद की है वो हम बता नहीं सकते, बट हमारे भी बहुत सारे दोस्त हैं यहाँ पे। क्या बात है, क्या बात है, सो सो प्राउड एंड हैप्पी दैट आप सब लोग अच्छा दिल रखते हैं। योर बेस्ट बर्थडे टिल डेट, सबसे यादगार बर्थडे आपका कौन सा रहा आज तक? ऐसे तो बहुत सारे हैं बट लास्ट वाला भी मुझे अच्छी तरह याद है, जो बहुत यादगार था, जब मुझे सरप्राइज दिया गया था, मुझे आंखों में पट्टी बांध के ले गए थे मेरे फ्रेंड्स, और वहां जाने के बाद आई रियलाइज कि सब लोग वहां पे इकट्ठे हैं, ऑल ऑफ देम मेरे जो मुंबई वाले फ्रेंड्स हैं। और ये वाला भी बहुत स्पेशल है बिकॉज़ आई एम विद माय फैमिली। हां जी, तो बता दीजिए आज का प्लानिंग क्या है, स्टार्टिंग तो बता दिया पूरा, अभी आगे क्या होगा, कैसे सेलिब्रेशन होगा, क्या कुछ होगा, ओवरऑल एक बता दीजिए आप। मेरा आधा दिन तो यहीं पे निकलेगा, मैं अभी मथुरा में हूँ, यहाँ पे अक्षय पात्र जो एनजीओ है जिसके बारे में मैंने आपको बताया वहाँ पे हूँ, और उसके बाद घर जाने के बाद मैं बहुत सारा खाने वाला हूँ, बहुत सारा डांस करने वाला हूँ, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स आने वाले हैं विद माय पेरेंट्स आल्सो, आई एम गोना एंजॉय लाइक हाउ एवरीबॉडी डज। मैं बाहर जाना अवॉइड कर रहा हूँ, बाहर पार्टी करना अवॉइड कर रहा हूँ, बिकॉज इट्स नॉट सेफ फॉर माय फैमिली आल्सो, आई एम यंग, माय पेरेंट्स आर नॉट यंग, तो उनके लिए ज्यादा रिस्क है, तो आई जस्ट डोंट वांट टू गो आउट। So Pearl, first of all, happy birthday. Thank you. Wish you loads of happiness, success and a good health. Thank you.
सो मैं जानना चाहूंगी बचपन में हम सबके यू नो अजीब अजीब तरीके से पेरेंट्स बर्थडे सेलिब्रेट करते थे, जहां पर हम अपने दोस्तों को बुलाते थे, टोपी पहनते थे वो, और केक आता था एक, और हम बहुत एक्साइटेड रहते थे अपने बर्थडे के, यहाँ हमारा बर्थडे आने वाला है, गिफ्ट्स मिलने वाले हैं। तो आपका बचपन का टाइम हमें बताइए कि वो बर्थडे कैसा रहता था आपके लिए, कैसा होता था उस समय? मेरा बर्थडे आई थिंक आज तक वैसा ही रहता है, आज भी टोपी पहनते हैं, आज भी वही सारी चीजें करते हैं जो पहले करते थे, आज भी हम बच्चे बन जाते हैं, बिकॉज बर्थडे एक ऐसी ऐसा एक सेलिब्रेशन है जहाँ पे आप अपनी सारी पुरानी यादें रिकॉल कर लेते हो, और अपने सारे पुराने लोगों के साथ अगर आप होते हो तो आप भूल जाते हो आपकी एज क्या है। मैं तो बिल्कुल बच्चा हो जाता हूँ। और कोई बचपन का मेमोरेबल गिफ्ट याद है जो आपको कभी मिला हो, कोई टॉय या कुछ जो यू नो आप बहुत विश कर रहे हो कि हाँ मुझे ये गिफ्ट चाहिए और आपके पेरेंट्स ने वो लाके दिया हो? साइकिल, आई रिमेम्बर, आपने अभी बोला ही तो याद आ गया मुझे। एक ना एक कंपनी थी, उसकी साइकिल का नाम था, मैं कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा, वो लोग पैसे नहीं देंगे, तो क्रिकेट करके एक साइकिल का नाम था, समथिंग क्रिकेट, चलो बता देता हूँ, एटलस वालों पैसे डलवा देना, एटलस क्रिकेट। तो वो उसमें बैट लगाने का एक वो होता था, हैंडल जैसा, क्रिकेट बैट लगाने का। ओके। तो उसके लिए मैंने बड़ी जिद की थी, तो वो मेरे बर्थडे पे मुझे मिली थी बहुत बहुत पहले, जब मैं बहुत छोटा था। तो मुझे उसके मिलने से ज्यादा ना उससे बिछड़ना याद है। तो हुआ क्या था, एक बार मैं वो तो मिल तो गई बर्थडे पे, हम चलाते रहते थे, फिर एक दिन मैं गिर गया और एक साइड से पूरा लाल पीला हो चुका था। तो मॉम डैड ने वो साइकिल उठा के मेरे, मतलब हमारे यहाँ एक काम करते थे जो हमारे साथी थे, रहते भी थे, उनको दे दी। तो आई रिमेम्बर दैट साइकिल गोइंग अवे फ्रॉम मी, वो लेके जा रहे हैं और मैं रो रहा हूँ। ओके। तो वो बहुत प्रेशियस थी मेरे लिए, जुदाई याद है। ओके। हाँ जी। सो एनीवन एल्स कैन टेक इट फॉरवर्ड, किसी को पूछना है तो। क्या बात? वी वर ऑलरेडी 5 करोड़ का। So I was just saying, you know, कि हमने पल से इतनी देर बात की, but उसको अभी तक actually birthday song आके नहीं सुनाया, so I think we should do that first. So let's sing. अच्छा, एक मिनट, आप लोगों के गाने से पहले मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। मैं आप लोगों से स्पेशली, ये मैं अपने अपने ऑडियंस के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं आप सब लोगों के लिए बोल रहा हूँ, सारे मीडिया, जितनी भी मीडिया मेरे साथ है इस वक्त, और जो कुछ लोग नहीं भी जुड़ रहे हैं उन सबके लिए, आई लव यू ऑल, मैं आप सभी से बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि मैं जो भी कुछ, पॉल, इनका नाम पॉल है, इनको बोलो गाना गाके, बोलो हैप्पी बर्थडे सॉन्ग, विश करो, कैसे विश करते हैं? हैप्पी बर्थडे पॉल, हैप्पी बर्थडे, सो क्यूट यार, so cute, thank you so much बच्चू। तो आप सभी से मैं बोलना चाहता हूँ कि thank you so much कि आप लोग, मुझे ऐसा लगता है, मतलब हो सकता है गलत भी हूँ, पर मुझे लगता है आप लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और मैं भी आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। It's not just about our professions, it's about आपके personal, like how you are and how I am, so we share a very good bond, and मैं जब भी आप सब लोगों से बात करता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, being friends कुछ भी कह लो, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज कीपिंग मी अलाइव। एक एक्टर के लिए मीडिया का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, एंड आप लोगों ने हमेशा मेरा साथ दिया, जितना साथ दिया मुझे नहीं लगता मैं उतना डिजर्व भी करता हूँ, लेकिन फिर भी उसके लिए थैंक यू। ऑफ कोर्स आप डिजर्व करते हैं, इसलिए हम सब आज यहाँ पर है आपका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। मैं और कुछ जी हाँ जी, अले ले हाँ जी, Oh, you. She has given me that responsibility. Whenever we'll meet, we'll cut the cake and she will expect one. What?
No, I'm not expect. No expectations. She wants to wish a very good childhood. Okay. No, definitely. Whenever I'll come to Mumbai, please make me meet her. I would love to meet her. Please. Sure. दोनों छठे बच्चों को मेरी तरफ से एक चॉकलेट खिला देना. ट्रिप शुरू हो गई है. हैप्पी बर्थडे. हालेलुया. Thank you so much, guys. Bye. Lovely, bye. Lovely talking. Bye. कैसे करेंगे इसको? पर उसके ऊपर रेड में लीव बटन लिखा हुआ है ऊपर. हाँ, करेक्ट. उसको लीव एंड लीव मी करें. हाँ. दीदी डोंट लीव. हाँ. पूरा एक इंटरव्यू जैसे ही हो गया. अच्छा हो गया यार. हाँ, वो ऐसे लाइक यू नो प्रिंट इंटरव्यूज में ऐसे होता है लाइक यू सिट इन अ सर्कल और फिर एक 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 करके सारे जन पूछते हैं. बट ये अच्छा हो गया वैसे. उसमें लाइव हो गया ना. और मैं देखो उसके केक की वीडियो से सब अभी भेजती हूँ. जब तक मुझे आ जाए तो जो लोग भी ये अटैच करेंगे ना साइमल्टेनियसली दे कैन अटैच दैट आल्सो. एंड मुझे और उसके कुछ पिक्चर्स मिलने वाले शाम तक ना अराउंड 5-6 o'clock उसके एनजीओ की पिक्चर्स मिलेंगे मुझे. ठीक है, तो वो भी मैं भेज दूंगी जो जो आ रहा है. डन, मैं भेजती हूँ. थैंक यू सो मच सिमरन, दिस रियली मींस अ लॉट. बट आई एम स्टिल अ रश्मि देसाई सपोर्टर. Chalo, bye. Thank you, bye.